हेलो चिल्ड्रन, आज हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे क्लास थर्ड के. ओके, आप जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए. पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 90. 632 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल पार्टिसिपेटेड इन एनुअल स्पोर्ट्स डे. 632 स्टूडेंट्स ने एनुअल स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड नेक्स्ट ईयर रिड्यूस टू 321. जिन्होंने नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था उससे रिड्यूस यानी कम हो गए 321 स्टूडेंट्स. हाउ वॉज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेट रिड्यूस्ड, कितने बच्चे कितने स्टूडेंट्स कम हो गए? तो इसके लिए आप देखिए, स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनुअल स्पोर्ट्स डे. स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया एनुअल स्पोर्ट्स डे में 632. नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर, जिन्होंने नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट किया वो कितने थे? 321. तो पार्टिसिपेंट्स रिड्यूस कितने हुए? 632 माइनस 321. जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2 में से 1 रिमूव किया तो 1, 3 में से 2 किया तो 1, 6 में से 3 किया तो 3. यानी 311 स्टूडेंट रिड्यूस हो गए यानी कम हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. अ कुकिंग क्लब बेक 589 केक्स फॉर सेल. एक कुकिंग क्लब ने 589 केक्स सेल के लिए बनाए. देयर वर 212 केक्स लेफ्ट आफ्टर द सेल. और सेल खत्म होने के बाद उनके पास 212 केक्स बचे. हाउ मैनी केक्स वर सोल्ड, कितने केक्स सोल्ड हो गए यानी बिक गए? तो देखिए, कुकिंग क्लब बेक्ड केक्स 589, लेफ्ट केक्स आफ्टर सेल 212, केक्स वर सोल्ड मतलब केक्स कितने चले गए. तो 589 में से हम 212 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तब नंबर क्या आएगा? 9 में से 2 गए 7, 8 में से 1 7, 5 में से 2 गए तो 3. यानी 377 केक्स उन्होंने सोल्ड कर दिए या बेच दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक सोल्ड फ्रूट ऑन वेनसडे एंड थर्सडे 361 एंड 492 रिस्पेक्टिवली द टोटल. जब आपको टोटल पूछा जाता है तब आपको क्या करना होता है? एडिशन. सेल इन बॉड डेज, तो सेल इन बॉड डेज, सेल फ्रूट ऑन वेनसडे 361, फ्रूट ऑन थर्सडे 492, टोटल सेल कितनी हो जाएगी? 361 प्लस 492. जब आप इसको ऐड करेंगे, 1 में 2 को करेंगे तब 3, 6 में 9 को करेंगे तब आपके पास आएंगे 15, 15 का 5 यहां और 1 कैरी में. इसके बाद में 3 एंड 4 7, 7 प्लस 1 कैरी का 8. यानी 853 फ्रूट्स वो सेल करेगा इन दोनों दिनों में. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. 63 बेड्स वर डिवाइडेड अमंग सम चिल्ड्रन. 63 बेड थे जो कुछ बच्चों में बांटे गए. इफ ईच ऑफ देम गॉट 3 बेड्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन. टोटल नंबर पूछा है तो यहाँ पे आपको एडिशन नहीं करना है. इसमें पूछा गया है कि 63 बैट्स थे, उनमें से सबके सब चिल्ड्रंस के पास कितने आए? 3-3. तो वहां पे बच्चे कितने थे यानी चिल्ड्रन कितने थे? तो टोटल बैट्स कितने थे? 63. ईच ऑफ देम गॉट 3 बैट्स, उनमें से सबके पास कितने गए? 3 बैट्स. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए? 63/3 यानी 63 में 3 का डिवाइड करना है. जब डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 6 आता है. कितने टाइम आता है? 3 2 6, 6 में से 6 गया 0, ये नंबर 3 नीचे आएगा, 3 1 3. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन वहां पे 21 चिल्ड्रन प्रेजेंट थे जिनके पास 3-3 बेड्स गए. नेक्स्ट है 84 पीपल वेंट टू अ ट्रिप इन 6 मिनी बसेस.
84 पीपल कहाँ जा रहे थे? एक ट्रिप पे जा रहे थे 6 मिनी बसेस में. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन ईच बस, यानी प्रत्येक बस यानी प्रत्येक एक बस में कितने पीपल थे. तो इसमें देखिए टोटल पीपल कितने थे, 84. बसेस कितनी थी, 6. टोटल नंबर ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ईच बस, ईच बस यानी हर एक बस में कितने लोग थे या कितने पीपल थे. तो 84 डिवाइड बाय 6, तो 6 84 में जब 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 वन जा 6, यहाँ पे 8 में से 6 गया, कितना बचा, 2. 4 को नीचे लाए तो 6 की टेबल में 24 कितने टाइम आएंगे, 6 4 जा 24, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0. 14 पीपल यानी हर एक बस में 14 पीपल बैठे थे. ओके, थैंक यू.